ब्लास्ट में आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। इसलिए गहलोत कहे जाते हैं एक जनसेवक। आज ऐतिहासिक जीत के बावजूद गहलोत का फोकस कोरोना मैनेजमेंट पर है। अभी भी मुख्यमंत्री गहलोत का पहला फोकस प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति है। ट्वीट कर उन्होंने कहा, हमारे 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली गए, केंद्र सरकार के सामने प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी, ऑक्सीजन एवं दवाओं का आवंटन बढ़ाने की मांग की थी। राजस्थान भाजपा के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से अपील की और कहा कि कोविड की स्थिति के कारण भले ही भाजपा नेता दिल्ली ना जाएं, लेकिन वीसी से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य की मांग दृढ़ता से रखें। अमित शाह, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया एवं जेपी नड्डा से बात करें भाजपा नेता, प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन बढ़ाने की मांग करें। ये समय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए कार्य करने का है। हमारा प्रयास, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। राजस्थान में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से प्राण ना गवाए, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा में आवंटन की आवश्यकता है। केंद्र ने पूरे देश के ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर दवाई के उत्पादन पर नियंत्रण कर रखा है, इसलिए हम ओपन मार्केट से भी ऑक्सीजन एवं दवाई नहीं खरीद सकते। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी इस बात को माना, केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो यहाँ एक तरफ तो परिणाम आए, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस कोरोना मैनेजमेंट को लेकर है कि किस तरह से जो कमियां, जो दरकार प्रदेश को है, जिन चीजों की जरूरत है, उसे उसकी आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए। अभी भी मुख्यमंत्री गहलोत का पहला फोकस प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति पर ही है। और ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हमारे 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली गए, केंद्र सरकार के सामने प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी, ऑक्सीजन एवं दवाओं का आवंटन बढ़ाने की भी यहां पर मांग की थी। राजस्थान भाजपा के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने अपील की और कहा कि कोविड की स्थिति के कारण भले ही भाजपा नेता दिल्ली न जाए, लेकिन वीसी से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य की मांग दृढ़ता से रखें। अमित शाह, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया एवं जेपी नड्डा से बात करें भाजपा नेता, प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन बढ़ाने की मांग करें। ये समय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए कार्य करने का है। हमारा प्रयास है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। राजस्थान में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से प्राण न गवाए, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा के आवंटन की आवश्यकता है। केंद्र ने पूरे देश के ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर दवाई के उत्पादन पर नियंत्रण कर रखा है, इसलिए हम ओपन मार्केट से भी ऑक्सीजन एवं दवाई नहीं खरीद सकते। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी इस बात को माना, केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत का पहला फोकस कोरोना से निपटना है। बिना पक्ष विपक्ष की सोच के कोरोना से लड़ रहे गहलोत, प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हर संभव प्रयास गहलोत कर रहे हैं। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने फोन पर बात की, लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ संपर्क में गहलोत रहे और बाद में अमित शाह, राजीव गाबा, पीके मिश्रा और अजीत डोभाल से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन अभी तक नहीं मिली केंद्र से राजस्थान को पूरी मदद। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री गहलोत ने की राजस्थान भाजपा नेताओं से अपील, केंद्र के नेताओं से बात कर किसी भी तरह ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील उन्होंने की। कोरोना की पहली लहर में भी गहलोत साथ लेकर चले थे पूरे विपक्ष को और अब दूसरी लहर में भी कोरोना के साथ जंग में विपक्ष का पूरा सहयोग चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही सभी सांसदों ने पत्र लिखकर अपील की गई थी और बिना किसी राजनीति के कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होकर लड़ने की अपील की गई थी। पिछले कुछ दिनों पहले ही की गई थी और लगातार बार बार ये कहा जाता है कि सब एकजुट हो, एक साथ हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहला फोकस ही है कोरोना से निपटने पर और बिना पक्ष विपक्ष की सोच के कोरोना से लड़ रहे हैं गहलोत। प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं गहलोत। सबसे पहले की प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने फोन पर बात की और लगातार लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला के साथ संपर्क में है गहलोत और बाद में अमित शाह, राजीव गाबा, पीके मिश्रा और अजीत डोभाल से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन अभी तक केंद्र से राजस्थान को पूरी मदद नहीं मिली। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान भाजपा नेताओं से भी अपील की है, केंद्र के नेताओं से बात कर किसी भी तरह ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने की उन्होंने अपील की। कोरोना की पहली लहर में भी गहलोत साथ लेकर चले थे पूरे विपक्ष को और अब दूसरी लहर में भी कोरोना के साथ जंग में चाहते विपक्ष का पूरा सहयोग। कुछ दिन पहले ही सभी सांसदों को पत्र लिखकर उन्होंने अपील भी की थी बिना किसी राजनीति के कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होकर लड़ने की अपील की गई थी।